ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के ईश्वरी वरदान में, जो कि हम 21वें दिन के ईश्वरी वरदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम परमात्मा से वो सारी अष्ट शक्तियां ले लें और वो आठों शक्तियों के द्वारा हम अपने जीवन को शांतमय और शक्तिशाली बना लें। तो वो आठ शक्तियाँ कौन सी हैं, जो कि हम आज जानेंगे, थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे उसके, और फिर बाकी चीज़ें आप जब 7 डेज का कोर्स करते हैं ब्रह्मा कुमारी में, तब जाकर के आप सीख सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, समय और परिस्थिति प्रमाण, जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। तो आठ शक्तियाँ हैं, जैसे कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलो और कम में ही काम कर लो। ये समय राइट नहीं है तो उस समय क्या कर लो, पैकअप कर लो कि मुझे अब यहाँ से पैकअप करना है और मुझे अब यहाँ से निकल जाना है सिचुएशन से, मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है या मुझे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपने पैकअप कर लिया, आप वहाँ से निकल गए, आप किनारा कर लिया आपने अपने आप को। फिर परमात्मा कहते हैं इसी तरीके से आपके अंदर सहन शक्ति भी आ सकती है अगर आप उसको समझें। तो कर्मों को अगर आप ज्ञान समझेंगे और अपने तीनों कालों का ज्ञान समझेंगे ब्रह्मा कुमारी में, के पास्ट में क्या थे, अभी क्या करना है, आगे क्या आने वाला है भविष्य, तो आपके अंदर सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी आपके अंदर। साथ ही साथ आपके अंदर एडजस्टमेंट करने की शक्ति, मतलब कि समाने की शक्ति बढ़ जाएगी। किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या भी बोलता हो, आप उसकी बुरी बातों को संभालेंगे, अच्छी बातों से आप ज़्यादा उछल नहीं खाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर आ जाएगी परखने की शक्ति, क्या सही है क्या गलत है। फिर निर्णय करने की शक्ति भी आएगी कि ये जो मैंने देखा सही है, उसके अनुसार मैं ये इसको करूं कि ना करूं। फिर जाकर के आपके अंदर आएगी सामना करने की शक्ति कि मैंने जो निर्णय लिया था या मैंने कई साल पहले जो निर्णय लिया था, उसको मैं क्या सामना कर पा रहा हूं। कि अगर सामना नहीं कर पाए तो मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, मैं औरों को ब्लेम करूंगा। फिर उसके साथ में आपके अंदर आती है सबके साथ में कोऑपरेट करने की शक्ति, सबको सहयोग देने की शक्ति। अब आप किसी नौकरी में काम करें लेकिन आपको बॉस पसंद नहीं है, आपके अंदर जो काम अंडर काम करें आपको वो पसंद नहीं है लोग, तो आप उनको सहयोग देने से हिचकिचाओगे। परमात्मा कहते हैं नहीं, अगर आपके अंदर शक्ति होगी कोऑपरेट करने की, तो आप सब कुछ भूल भाल करके, टॉलरेट करके, सामना करके आप कोऑपरेट करोगे और अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे आप बॉस के सामने या उस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, तो आप कोऑपरेट कर पाओगे। तो ये आठ शक्तियाँ अगर हमारे अंदर हो तो हम हर सिचुएशन में, हम हर पल आगे बढ़ सकते हैं। तो परमात्मा इसी के लिए कहते हैं कि जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, जैसी सिचुएशन आए हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनको पता है कि इस समय कौन सी शक्ति को कार्य लगाना है, लेकिन शक्तियों को भूल गए अगर तो हमसे विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, हम या क्रोध में आ जाते हैं या अहंकार में आते हैं या घृणा में आते हैं, नफरत में आते हैं, हम चुगली कर बैठते हैं। तो वो है अष्ट शक्तियों की कमी के कारण। तभी तो आप देखें तो देवियों के आठ हाथ दिखाते हैं, आठ हाथ किसी को मारने के लिए, वध करने के लिए नहीं, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को इन शक्तियों को अपना करके। टॉयलेट कर लिया तो क्रोध मर गया, अगर आपने सबको संभाल लिया तो आप सबके साथ एडजस्ट कर पाए, आप चिड़चिड़े नहीं हुए तो आपने चिड़चिड़ेपन को मार दिया। तो वो आठ हाथ में जो आठ जो दिखाए गए अस्त्र शस्त्र, वो अपने अंदर के इस क्रोध को, चिड़चिड़ेपन को, अहंकार को, ईर्ष्या को मारने के लिए हैं, ना कि किसी और का वध करने के लिए हैं। तो ये हुई देवियों के आठ हाथ के राज। तो ये आठ शक्तियाँ वही शक्तियाँ हैं जो कि हमारे मनोबल को बढ़ाती हैं और हर एक सिचुएशन को पार करने के लिए हमें सीख देती हैं। परमात्मा फिर कहते हैं हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। इष्ट और अष्ट रत्न, तभी तो देवियों की पूजा होती है कि हे देवी मुझे शक्ति देना। कौन सी शक्ति देना, कि मैं किसी और को जाकर के उसको गिराऊं, किसी और से मैं बदला लूं? नहीं, मैं सहन कर पाऊं, मैं सामना कर पाऊं अपने कर्मों का, जो फल मुझे मिल रहा है, और मैं निर्णय ले पाऊं, मैं परख पाऊं कि अब मुझे क्या करना है। हे देवी मुझे ये शक्ति दीजिए। परमात्मा कहते हैं ये तो तुम मुझसे डायरेक्ट ले सकते हो और देवी जैसा बन सकते हो, अष्ट देव और इष्ट देव बन सकते हो। ऐसे अष्ट शक्तियां संपन्न आत्माएं जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेती हैं। उनको पता है कि हर समय हर आत्मा के साथ में कैसे घुल मिल जाना है, वो किसी से टकराव नहीं करती हैं, वो किनारा कर लेती हैं, उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। वो कार्य को आगे लेके जाएंगे लेकिन अपने आप को पीछे कर देंगे कि कहीं पर अगर टकराव हो रहा है तो बोलेंगे नहीं नहीं आप आगे बढ़ो मैं पीछे ही ठीक हूँ मैं, क्योंकि उनको ये पता है कि परमात्मा का कार्य पूरा होना चाहिए और ये कार्य सफल होना चाहिए, घर आगे बढ़ना चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, तो वो पीछे कर रहते हैं अपने आप को। उनको नाम मान शान की इच्छा भी नहीं रहती है, उस नाम मान शान के पीछे नहीं रहते, तो वो पीछे हो जाते हैं आत्माएं, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट होती हैं। तो जो संतुष्ट आत्मा होगी उसके अंदर ये आठ शक्तियाँ आपको आराम से मिल जाएंगी। फिर परमात्मा कहते हैं उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है, वो हर कदम में सफल होते हैं,
क्योंकि वो हर कदम में ये शक्तियों को इस्तेमाल करके कहाँ पे सहन करना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है, कहाँ पे परखना है, कहाँ पे निर्णय लेना है नहीं लेना है, कहाँ पर सामना करना है, कहाँ पे कोऑपरेट करना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है, वो सब कुछ कर पाते हैं। तो वो उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। तो कोई परिस्थिति आ गई और वो तंग आ गए, ऐसे हो नहीं सकता कि वो औरों को ब्लेम करना शुरू करते, टॉलरेंस पावर कम हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेडिटेशन में इतने आगे रहते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और उनके अंदर ये शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। तो ये शक्तियाँ आप भी बढ़ा सकते हैं, अपने घर को सुधार सकते हैं, अपने फैमिली को सुधार सकते हैं, बिजनेस को सुधार सकते हैं, अपने जॉब को सुधार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 7 डे कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अष्ट शक्तियों का ज्ञान मिल गया, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है और वो स्रोत कहाँ है जहाँ से शक्तियाँ मिलती हैं, अगर वो ना पता चले तो ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज रह जाएगी, आप इसको प्रैक्टिकलिटी में डाल नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए आप 7 डे का कोर्स करें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के। और इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।